हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं वेज डॉग फूड अपने डॉग्स के लिए, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इस डॉग फूड की मैं आपके साथ कंप्लीट रेसिपी शेयर करने वाला हूं, सो आप भी इसे अपने घर पे बना सकते हैं अपने डॉग्स के लिए। सो जैसा कि अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड हम में से काफ़ी सारे लोगों के घर में नॉन वेज अभी नहीं बनते हैं, सो ऐसे में आप इस रेसिपी को घर में ट्राई कर सकते हैं, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ आपके डॉग्स को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। गाइस, इस रेसिपी के लिए हमने सिर्फ दो ही वेजिटेबल का यूज़ किया है, एक है कॉलीफ्लावर एंड दूसरा है पम्पकिन। एंड दोनों ही वेजिटेबल्स डॉग्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं एंड डॉग्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी होते हैं। गाइज, मैं पर्सनली अपने डॉग्स को डॉग फूड के बजाय अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप अपने डॉग्स को डॉग फूड देते हैं या फिर अपने हाथ का बना हुआ खाना, ये प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। सो मैंने जो इस डॉग फूड के लिए कॉलीफ्लावर का यूज़ किया है, मैंने उसे कम्प्लीटली यूज़ किया है, उसके फ्लावर्स के साथ साथ उसके स्टेम्स एंड लीव्स को भी यूज़ किया है। अगर आप स्टेम और लीव का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप पालक के पत्ते एंड कैरेट्स को भी इस रेसिपी में ऐड कर सकते हैं, ये दोनों ही डॉग्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड जो मैंने पम्पकिन का यूज़ किया, मैंने उसके छिलके नहीं उतारे, अगर आप चाहें तो उसके छिलके उतारने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म पानी के साथ वॉश किया एंड इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट किया ताकि ये जल्दी से जल्दी कुक हो जाए। सारी चीज़ों को वॉश करने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ये है कॉलीफ्लावर, ये है पम्पकिन एंड ये है कॉलीफ्लावर के लीव्स। इसके बाद मैंने इस कुकर में बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश किए हुए राइस को ऐड किया है एंड ये राइस है 1/2 kg। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ वाटर राइस की जस्ट डबल क्वांटिटी में। नाउ अब बारी है वेजीज की। गाइस, जब तक मैं इन वेजीज को कुकर में ऐड कर रहा हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड आप कॉमेंट सेक्शन में जाके ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। सो ये मैंने सारी चीज़ों को ऐड कर लिया है। नाउ इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ टर्मरिक एंड एप्पल साइडर विनेगर। अब आपके मन में ये बात तो ज़रूर आई होगी कि मैंने इसमें एप्पल साइडर विनेगर ऐड क्यों किया है। सो एप्पल साइडर विनेगर डॉग की हेयर एंड हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। नाउ इसे कुक कर लेते हैं। A few inches later. So finally, दो सीटियों के बाद हमारा ये डॉग फूड बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। गाइज, राइस एंड वेजेस बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। नाउ हम इसे डायरेक्टली अपने डॉग को सर्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी गाइज, ये डॉग फूड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। हालांकि मैंने इसे टेस्ट तो नहीं किया, बट आपके डॉग को ये ज़रूर से पसंद आएगा एंड इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। सो चलिए इस डॉग फूड को अपने पपी को सर्व करते हैं एंड उसका ओपिनियन क्या है इस बारे में ये जानते हैं। गाइज, आई डोंट थिंक कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि इसका टेस्ट मेरे पपी को कैसा लगा। आपको इसकी टेल देख के समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको हमारी आज की ये डॉग फूड रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप भी एक बार घर पे इसे ट्राई ज़रूर से करना एंड प्लीज़ 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 आप कमेंट सेक्शन में आके ये भी ज़रूर से बताना कि आपके डॉग को ये कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें एंड जाते जाते इस रिएक्शन को एक बार ज़रूर से चेकआउट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।